नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। भोलेनाथ की नगरी कहे जाने वाली काशी को एक बड़ा तोहफा मिल गया है। जब सालों से लोगों की यह चाह पूरी हुई, काशी के सांसद व देश के पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन की पूर्व संध्या पर वाराणसी को रेलवे से भी बड़ी सौगात मिली है। पर वाराणसी को रेलवे से भी बड़ी सौगात क्यों मिली? यहाँ के मंडुआ स्टेशन को एक नया पहचान मिल गई है। आइए देखते हैं इस खबर में। बीते दिनों केंद्र गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने वाराणसी के मडुवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का फैसला किया था। इस संबंध में सरकार के कई स्तरों पर जरूरी कार्रवाई पूरी की जा रही थी। मडुवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वाराणसी किए जाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिस पर विचार करने के बाद केंद्र सरकार ने नाम परिवर्तन करने का फैसला किया था। स्टेशन का नाम मंडुवाड़ी के स्थान पर बनारस करने की स्वीकार्यता रेलवे बोर्ड से मिलती है। नाम बदलने का काम भी कर दिया गया। अब स्टेशन का नाम हिंदी में बनारस और अंग्रेजी में बनारस होगा। स्टेशन का कोड BSBS मिला है। इसके साथ ही काशी के लोगों की मांग पर स्टेशन के नाम पट्टिका पर संस्कृत में भी इसका नाम बनारस अंकित किया जाएगा। वाराणसी के साथ ही काशी और बनारस भी क्षेत्रीय लोकोचार की भाषा में मशहूर है। यहाँ पहले से वाराणसी, काशी और वाराणसी सिटी के नाम से तीन स्टेशन हैं। बनारस के नाम से कोई स्टेशन था ही नहीं। पिछले कुछ साल से शहर के बीच में स्थित मंडुवाड़ी स्टेशन का नई साज सज्जा मिली तो उसका नाम बनारस करने की मांग उठने लगी। मंडुवाड़ी स्टेशन को पहले से ही किसी हवाई अड्डे की तरह बनाया गया है। केवल देखने में ही नहीं बल्कि यात्री सुविधाएं भी इसे अलग दिखाती हैं। प्लेटफॉर्म तक कार व अन्य वाहनों को ले जाने की भी सुविधा है। नए स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय क्षेत्र, विभिन्न यात्रियों के वेटिंग रूम, उच्च श्रेणी यात्री के लिए रेस्ट रूम, एस्केलेटर सीढ़ियां, लिफ्ट, फूड प्लाजा, कैफेटेरिया, VIP लॉन्च, पार्किंग, सेल्फी पॉइंट, राष्ट्र ध्वज, धरोहर के रूप में छोटी लाइन का इंजन, ग्रीन और साफ सर्कुलेटेड एरिया, आधुनिक बुकिंग आरक्षण कार्यालय, स्टेशन में AC लाउंज, गैर AC रिटायरिंग रूम, डोमेट्री भी है। स्टेशन परिसर की बनावट काशी की आस्था को दर्शाती है। स्टेशन में फव्वारे और बैठने की जगह शामिल है। पूर्व रेल राज्य मंत्री कुमार सिन्हा की पहल ने आखिरकार रंग दिखाया है। नाम को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने के चलते यात्री और सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी काशी में होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लोग मंडुवाड़िया स्टेशन के नाम से अनजान थे। अमूमन नाम को लेकर भ्रमवश यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता था। ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग में भी उन्हें परेशानी होती थी। अब जनपद के समांतर मंडुवाड़िया स्टेशन का नाम बदलने से कोई कठिनाई नहीं होगी। यूं तो मंडुवाड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग समय समय पर उठाई जाती रहती है, लेकिन इसे सही रूप देने का काम पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री मनोज कुमार सिन्हा ने किया। उन्होंने वर्ष 2014 से 2015 में रोहानिया स्थित एड़े गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंडुवाड़ी स्टेशन का नाम बदलने का वादा किया था। मनोज सिन्हा ने इस दिशा में मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात राज्य केंद्र को फाइल बढ़ा दिया था। केस बनारसी फाउंडेशन और जन जागृति समिति ने भी नाम बदलने की वकालत की थी। जी हाँ, भोलेनाथ की नगरी के लोगों के लिए काफी समय से इसका इंतजार था। आखिरकार केंद्र सरकार के अंदर रेलवे से लोगों के लिए ये एक बड़ी सौगात है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने, संकल्प सच को आप तक पहुँचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70,00,000 से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी